सो हाय एवरीवन, तो आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है सिविल स्टाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक बार सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे और मुझे बताएंगे आपको आवाज आ रही है। इज एवरीथिंग क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें और फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ जी, पुष्पा जी आवाज आ रही है? पुष्पा सूर्यवंशी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सौरभ कुमार जी, गुड आफ्टरनून। एक बार सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करें पहले जल्दी से, ठीक है? तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, 25 के अराउंड मिक्स एमसीक्यूज रहेंगे पटवारी के लिए, ठीक है? सभी बच्चे मैं देख पा रहा हूँ एकदम से ज्यादा 20-22 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है? सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, ठीक है? तो क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे पहला ही है, प्रोवाइड सूटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। सवाल नंबर वन है जी, ये स्टेटमेंट को इसको पढ़ो, इडियम को, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक के लिए आपको राइट इसका मीनिंग बताना है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इस तरह से तो बताते चलेंगे। गुड आफ्टरनून जी, वंदना जी। सारे बच्चे अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे, सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, क्लास को एक बार अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो सभी बच्चे, ठीक है? ताकि किसी का भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो। जल्दी बताएं, ऑप्शन बताएंगे, फेस द म्यूजिक क्या होता है? फेस द म्यूजिक, हाँ जी, ऑफलाइन क्लासेस। एस टी ब्लॉगर जी क्या बोल रहे हैं? ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है भाई यहाँ। हाँ देखो क्या आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं, दो आंसर डी आए हैं, दो तीन बच्चे, मनोज शर्मा जी हेलो, ठीक है? तो क्या आंसर होना चाहिए? फेस द म्यूजिक, इट्स स्पेंड एंग्री फीलिंग, गेट रेप्रिमांडेड, समथिंग अनप्लेजेंट। हाँ जी हेलो जी, मनोज जी आंसर दो सब। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो इन जनरल क्या होता है कि जब हम किसी को डांटते हैं, ठीक है भाई, आप घर लेट गए और आपको आज डांटा गया, आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, तो स्कोल्ड यूज करते हैं। एक और वर्ड भी होता है इसके लिए, चाइड, चाइड इसी का सिमिलर होता है। एक और वर्ड होता है इसके लिए रिब्यूक। ये इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के वर्ड होते हैं, इनफॉर्मली यूज किए जाते हैं, ठीक है? चाइड, चाइड भी एक वर्ब होती है, स्कोल्ड भी एक वर्ब होती है। द मदर स्कोल्डेड हर सन, कि मां ने अपने बेटे को डांटा, राइट? ये इनफॉर्मल भाषा में यूज होते हैं। फेस द म्यूजिक जो एक इडियम है, जैसे आप दो फ्रेंड हो, एक राहुल है और एक रोहन है, आप जो है कहीं पे जॉब करते हो और रोहन ने कुछ गलती होगी, रोहन ने कुछ गलती होगी वहां पे ड्यूरिंग वर्किंग, अपने काम के दौरान उससे कुछ मिस्टेक होगी, तो फिर राहुल ने उसको बोला, जा नाउ गो एंड फेस द म्यूजिक, जाओ अब बॉस की डांट खाओ, जाओ अब बॉस की सुनो भाई तुमने गलती कर दी। आंसर सी है। गेट रेप्रिमांडेड, रेप्रिमांड होता है जब आप किसी को, नहीं डी नहीं होगा मीनाक्षी जी, डी नहीं होगा, समथिंग अनप्लेजेंट से इसका कोई लिंक नहीं होता। रेप्रिमांड, ये जो वर्ड होता है रेप्रिमांड, इसका मतलब होता है ऑफिशियल डिसअप्रूवल, किसी को ऑफिशियली डिसलाइक करना, राइट? तो रेप्रिमांड का मीनिंग लिख लो आप कॉपी पे, डिसअप्रूव, डिसअप्रूवल होता है, इट मींस डिसअप्रूवल, ठीक है जी? चलो सेकंड बताओ, कमेंट योर आंसर। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यार लाइक भी करो वीडियो को, तो आप लाइक ही नहीं करते, वीडियो को लाइक भी करना होता बेटा। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। सेकंड का बताएंगे, सब ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, इरेगुलरली, टू डू इट कंप्लीटली, गेट रेप्रिमांडेड, डिसमिसल फ्रॉम जॉब, क्या होना चाहिए? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अच्छा एक बार ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ऐसे फिट्स एंड स्टार्ट, पेपर जो सेट करते हैं उनका दिमाग कैसे चलेगा कोई बता नहीं सकता, कुछ भी कर सकता है वो पेपर में, कुछ भी कर सकता है। एक बार ऐसे दिया ब्लैंक, फिट्स एंड स्टार्ट, ऑप्शन दे दी, बाय आएगा, ऐसे प्रेपोजिशन पे सवाल बना दिया एग्जामिनर ने कि भाई बाय भरना है इसमें, इन भरना है इसमें, टू भरना है इसमें या ऑफ भरना है इसमें,
तो आपको प्रेपोजिशन के ऊपर आपका आपका नॉलेज चेक कर रहा था। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट होता है, तो समटाइम्स आपको ये भी पता होना चाहिए कुछ मुहावरों के साथ प्रेपोजिशंस भी लगती हैं। अब जिसको नॉलेज ही नहीं है कि इडियम है क्या, तो वो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या भरेंगे, बाय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ए है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर, एक ऐसा पर्सन जो अपने काम में कभी भी रेगुलर नहीं होता। इसके लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो विदाउट स्टेडी एप्लीकेशन। ऑप्शन ऐसे भी आ सकती है पेपर में विदाउट स्टडी एप्लीकेशन, जैसे आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हो कि यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, भाई तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते बिकॉज यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बिकॉज यू आर इरेगुलर। तो आप वहां पे बिकॉज यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट, क्योंकि तुम इरेगुलर हो अपने काम में। ठीक है, कंसिस्टेंसी का होना लाइफ में बड़ा जरूरी होता है। थर्ड का बताओ, थर्ड का बताएं, टोकन स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर डाला करो, ऐसे पता नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर डालो साबस थर्ड और फिर अपना ऑप्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर डाला करो आराम से प्यार से, फिर आंसर दिया करो, तो सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि कौन से सवाल का आंसर आ रहा है। टोकन स्ट्राइक, अब आपको पता है कई जगह हम टोकन मनी भी देते हैं। टोकन मनी देते हैं कि नहीं, टोकन मनी भाई जो भी अमाउंट है, तो आपने स्टार्टिंग में कुछ टोकन अमाउंट दे दिया है ना, तो टोकन अमाउंट से थोड़ा सा ना आप आइडिया लगाने की कोशिश करो कि आपने एक छोटी सी रकम पहले दे दी कि हमारी जी बात पक्की होगी। जैसे आपने कहीं पे रूम रेंट पे लेना है तो हम एक टोकन मनी दे देते हैं, थोड़ा सा पैसा पहले दे देते हैं, देते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा आइडिया लगाया करो हिडन मीनिंग क्या हो सकता है, टोकन स्ट्राइक का हिडन मीनिंग क्या हो सकता है। ऑफलाइन नंबर, एक मिनट रुको मैं देता हूं। यार नंबर था तो था मेरे पास मैम का, बाद में दूं, बाद में देता हूं। ठीक है, मेरे को याद करा देना ब्लॉगर जी, ऑफलाइन क्लास के लिए मैं आपको नंबर दे देता हूं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप में है बट मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं थोड़ा एंड में जब क्लास खत्म होगी मेरे को याद कराना, मैं दे दूंगा। तो इसका मीनिंग आप यहां पे ए मत करो, ए नहीं है इसका राइट आंसर है डी। जैसे हम किसी को थोड़ा सा पैसा टोकन मनी दे देते हैं, वैसे टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपने किसी को हल्की सी वार्निंग दे दी, आपने किसी को हल्की सी वार्निंग दे दी कि भाई तुम सुधर जाओ। सो टोकन स्ट्राइक का मतलब यहां पे बनेगा शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। जैसे हम किसी को, मैं बाद में मेरे को याद कराना एसटी ब्लॉगर जी, मैं बाहर से फिर आपको दे दूंगा, फटाफट लिख दूंगा यहां पे। ठीक है, आप कॉल कर लेना। ओके, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। चौथे का बताओ, ओके जो भी खुद को लगता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को सेंस मेरी ये बोल रही है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा कई बार ऐसा भी होता है कि वैसे तो मैंने बोला कि इनके अपने शाब्दिक अर्थ तो होते ही नहीं है, लिटरल मीनिंग्स तो होते ही नहीं है idioms के, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि कई बार जैसे पे वर्ड आ रहा है ना, पे थ्रू नोज, मतलब जो ज्यादा पैसा मतलब वो करता है, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। सी आंसर करो इसका, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत पे से हमने पकड़ लिया कि शायद यार पे थ्रू नोज बोल रहा है, तो हो सकता है इसका मीनिंग ये कुछ हो। सो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ज्यादा मतलब राशि को चुकाना, हाई प्राइस को पे करना, तो आंसर इसका सी है, राइट। चलो पांचवे बताओ, प्रोवाइड सुटेबल वन वर्ड परस्यूड बाय फ्लैटरी। ये मैंने अभी सी सैट वाला बैच लिया था उसमें भी कराया था। ठीक है, मनोज शर्मा जी ने शायद वो क्लास भी लगाई। हाँ मिल जाएगी मनोज शर्मा जी, पीडीएफ अभी सी सेट वाली भी लग जाएगी, उसकी आंसर मुझे मार्क करवाने हैं बाहर। ठीक है, थोड़ा सा उसका काम है पेंडिंग, वो करवा के आपके पोर्टल पे लग जाएगी, ये भी लगवा दूंगा।
ठीक है, फिफ्थ कब बताएं, परस्यूड बाय फ्लैटरी, फ्लैटरी परस्यूड होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, किसी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेना, ठीक है, अपनी बात मनवा लेना, उसी को कन्विंसिंग बोलते हैं। जैसे जितने भी ये पॉलिटिशियंस होते हैं, ऑल द पॉलिटिशियंस दे हैव कन्विंसिंग पावर, परस्यूड करते हैं और पब्लिक को कन्विंस ही करते हैं और क्या, राइट। तो आंसर इसका बी है, कैजुअल करें, कैजुअल होता है, कैजुअल एक नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना इसका। बताओ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, ये भी शायद किया है, पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, जो रफ होता है, जो टॉक में रफ होता है और जो इल मैनर्ड भी होता है, बोरिश। अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इसका बताओ, स्पीकिंग इरिवेरेंटली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, ये एक टोन होती है, इरिवेरेंट होता है डिसरिस्पेक्ट, जो भगवान के बारे में अच्छा नहीं बोलता, एक ऐसा पर्सन होता है जो गॉड के बारे में रफ टॉक करता है, इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, आ जाता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रफ टॉकिंग करता है, वन हु डज रफ टॉकिंग, जो गॉड के बारे में, धर्म के बारे में गंदा बोलता है, बुरा बोलता है, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, इट्स ब्लास्फेमी, राइट, ब्लास्फेमी होता है जो रफ टॉक करता है, इसके केसेस भी आते हैं न्यूज़पेपर में, ब्लास्फेमी। अगला प्रोग्नोसिस सिमिलर, इग्निश, इग्निंदा, निंदा करना, बिल्कुल है ना, भगवान के बारे में गलत बोलता है ये, प्रोग्नोसिस का बताएंगे सब, क्वेश्चन नंबर आठवें का बताएंगे, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा प्रोग्नोसिस का, ठीक है, प्रोग्नोसिस अच्छा वर्ड है, ठीक है, अभी फोरकास्ट, बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा बी, इट्स फोरकास्ट, फोरकास्ट। नेक्स्ट, विनय डजंट प्ले क्रिकेट एंड डैश डज यशवंत, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सेशन को थोड़ा लाइक और शेयर करते चलना अपने अपने एंड पे, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू शेयर द सेशन, लाइक द सेशन, नाइन्थ का डी आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है विनय डजंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट चल रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट चल रहा है, एंड नीदर डज यशवंत, डी आएगा। चलो इसका बताओ विग्रस, हाँ विग्रस, विग्रस का ऑपोजिट बताएं, विग्रस का ऑपोजिट बताएं, क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ का बी आंसर आ रहा है, टेंथ का बी आंसर आ रहा है, सभी बच्चों ने आंसर देना, यू ऑल हैव टू कमेंट द आंसर, विग्रस होता है जो बड़ा एंथुसियास्टिक होता है, सिमिलर होता तो ए हो सकता था, सिमिलर होता तो सी हो सकता था, फोर्सफुल तो होगा नहीं, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, स्पिरिटलेस, जिसमें जिसकी स्पिरिटलेस होता है, जो मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी नहीं होती, इल्यूजन, ऑपोजिट, इल्यूजन का ऑपोजिट बताएंगे क्या होगा, व्हाट इज द राइट ऑपोजिट ऑफ इल्यूजन, ऑब्वियस है फैंटेसी, इमेजिनेशन होती है, मिराज भी इसका सिमिलर होता है, हेल्यूसिनेशन एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, ये भी एक भ्रम होता है, इल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन का सिमिलर भी इल्यूजन होता है, डिल्यूजन बोल लो, इल्यूजन बोल लो, मिराज बोल सकते हो, हेल्यूसिनेशन फिर एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को एक बहम पड़ जाता है, भ्रम पड़ जाता है कि सामने से एक नॉर्मली कोई पर्सन उसकी तरफ आ रहा है लेकिन उसको ये लग रहा है कि वो उसको किल कर देगा, सो दैट पर्टिकुलर डिजीज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन, राइट, तो राइट आंसर इसका डी होगा, रियलिटी। ये मिराज भी अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है, ध्यान रखना। चलो इसका बताओ प्रीपॉन्डरेंस, प्रीपॉन्डरेंस का सिमिलर बताओ, प्रीपॉन्डरेंस स्किप, ओके, ट्वेल्थ को स्किप कर रहे हैं श्रेया शर्मा जी, स्किप कर दे कर रहे हैं, बाकी बच्चे बताएंगे सवाल किसी को आता हो प्रीपॉन्डरेंस, ठीक है। अब देखो प्री जब यहां पे लग गया, प्री तो प्री मतलब पहले से, जैसे ऐसे वर्ड भी होते हैं, जैसे एक ये वर्ड होता है देखो प्रीकॉशियस,
प्री प्री इसमें लग जाता है। प्रिकॉशियस का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस आर दोज चिल्ड्रन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे मान लो थर्ड का स्टूडेंट है, उसको उसके पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, चलो इसका लेवल अच्छा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, इसको फोर्थ को स्किप करा दो और इसको डायरेक्ट पांचवी में डाल दो। होते हैं ना ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनकी अर्ली मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसको प्रिकॉशियस बोलते हैं। प्रीपोंडरेंस तो अलग है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्री आ रहा है इसमें पहले से, मतलब especially those child who show early mental development, जिनका दिमाग पहले से विकसित होता है जैसे। अच्छा फिर ऐसा भी नहीं होता कि पेरेंट्स को लगता है ऐसा, स्कूल से भी टीचर से भी कंसल्ट करना पड़ता है पहले पेरेंट्स को कि हाँ जी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर टीचर अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं कि ठीक है भाई आपका बच्चा इंटेलिजेंट है ये जा सकता है पांचवी में, तो उसको बोलते हैं। सो स्पेशली दोज चाइल्ड हु शो अर्ली मेंटल डेवलपमेंट, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, डोमिनेंस। ये एक नाउन है, ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये नाउन है और ये भी एक नाउन है। ये जो वर्ड है डोमिनेटिंग, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है, दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म। मैं इसको एक्सप्लेनेशन डाली है, इसको पढ़ लो इसको। डोमिनेंस एक नाउन होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इंपॉर्टेंट पावरफुल और नोटिसिएबल देन अदर थिंग्स, नाउन फॉर्म है, ठीक है। प्रीपोंडरेंस भी नाउन फॉर्म होती है, बीइंग लार्जर इन नंबर और मोर इंपॉर्टेंट। फिर प्री एमिनेंस का मतलब प्री सब में ही आ रहा है, इनमें नाउन ही होता है, बीइंग मोर इंपॉर्टेंट मोर सक्सेसफुल और ऑफ अ हाईएस्ट स्टैंडर्ड देन अदर्स। डोमिनेटिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ट्राइंग टू कंट्रोल और अदर पीपल विदाउट कंसिडरिंग देयर ओपिनियंस और फीलिंग्स, इसका मतलब किसी को कंट्रोल करना होता है डोमिनेटिंग बेसिकली, राइट। बट ये एडजेक्टिव फॉर्म है, जब आपसे क्वेश्चन नाउन फॉर्म में पूछा तो आंसर नाउन फॉर्म में जाए। इसका आंसर बताओ, सही स्पेलिंग ढूंढ के बताइए कौन सा सही है, सही वाली स्पेलिंग कौन सी है। ऑप्शन बना के दे देता हूं, ए बी सी डी। करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पेपर में, ये नहीं है पूछा करेक्ट है तुमने कहीं इनकरेक्ट ढूंढ लिया तो गलत हो जाएगा, है ना। कन्वीनियंस की स्पेलिंग गलत है, इनिशिएटिव की गलत है, सेंसेशनल तो ये होता है एस सी एन एस ए टी आई ओ एन एल, राइट आंसर डी है। एग्जेजरेट की सही है, स्ट्रेच करना किसी चीज को खींचना। चलो 14 से आगे आंसर दो, हाँ स्पेलिंग आप खुद लिख सकते हो, कन्वीनियंस की सही लिखी है शिल्पा ठाकुर जी ने, सी ओ एन वी ई एन आई ई एन सी ई। 14 का आंसर बताएंगे सावस, सभी बच्चे आंसर करेंगे 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या जाएगा। हाँ जी देखो, अब सुरेश बॉस कोई लेना देना नहीं है, थेफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं लगना, ये क्वेश्चन इसके हिसाब से बैठेगी प्रेपोजिशन, और इसको बोलते हैं ग्रामर में दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पटवारी के एग्जाम में, आपको ये मान के चलो प्रेपोजिशन के दो सवाल तो पक्के बनते हैं, चाहे एरर पूछेगा चाहे आपसे ऐसे पूछेगा ब्लैंक का क्वेश्चन। तो अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, चार्ज्ड विद होता है, चार्ज्ड के साथ विद लगता है, एक्विट के साथ ऑफ लगता है। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना, हमें और भी इससे कनेक्ट कर रहा हूं। चार्ज, ही चार्ज्ड विद मर्डर, चार्ज्ड विद होता है, एक्विटेड ऑफ होता है, इसका मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम होता है। एक इसी से मिलता जुलता और वर्ड होता है एब्सोल्व, एब्सोल्व इसके साथ डबल लगती है, ये फ्रॉम भी ले लेता है ये ऑफ भी ले लेता है, एक्विट ऑफ और एब्सोल्व फ्रॉम एब्सोल्व ऑफ का मतलब सेम होता है। आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है लेकिन कोर्ट को कुछ भी गवाह सबूत नहीं मिले तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो एब्सोल्व फ्रॉम भी होता है एब्सोल्व ऑफ भी होता है। अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो आप बोथ वाला आंसर करेंगे, अगर ऑप्शन में ऑफ आ रहा है तो ऑफ वाला करेंगे, अगर फ्रॉम आ रहा है तो फ्रॉम वाला करेंगे, दोनों आ रहे हैं तो बोथ वाला आंसर उठाना है, ध्यान रखना है एब्सोल्व का। नेक्स्ट उसका बताओ,
क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना यार, प्लीज आप भूल जाते हो, आप जब मैं बोलता हूँ टोकता हूँ तभी आप फिर डालते हो क्वेश्चन नंबर, फिर दोबारा भूल जाते हो। 15 का डी आंसर आ रहा है, ओके। सौरभ कुमार डी बोल रहे हैं, नवनीत शर्मा फॉर बोल रहे हैं, जिया वर्मा फॉर बोल रहे हैं, अक्षित डी बोल रहे हैं, मतलब फॉर ही बोल रहे हो अल्टीमेटली, डी मतलब फॉर ही है। शिल्पा ठाकुर ने क्वेश्चन मार्क लगाया और 15 का बी बोला है। अच्छा अब आपको ना यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, सैनग्यून का मीनिंग क्या होता है, कमलाइज के अकॉर्डिंग नहीं लगना है, सक्सेस के अकॉर्डिंग, फिक्स्ड प्रेपोजिशन इसके हिसाब से। और सैनग्यून का मीनिंग होता है जो इंसान होपफुल होता है, होपफुल। जब हम कई बार हम अपने कामयाब होने के लिए हम जो है बड़ा होपफुल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं हम। सो कमला इज सैनग्विन, क्या आएगा आंसर बताएंगे। अब मैंने आपको मीनिंग दे दिया, हिडन मीनिंग दे दिया वर्ड का, सैनग्विन का मीनिंग होपफुल है यहाँ पे, तो क्या आंसर होगा। हाँ ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं जी वर्मा, डी गलत है बेटा, फॉर नहीं आएगा, ऑफ आंसर इसका, सैनग्विन ऑफ सक्सेस। कमला इज सैनग्विन ऑफ सक्सेस, मतलब शी इज वेरी होपफुल ऑफ सक्सेस, ऑफ आएगा। सैनग्विन के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लिख लो, कॉपी पे ऑफ लगती है, सैनग्विन ऑफ होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू होता है, राइट। चलो 16 का बताओ, अब आपको इसका हिडन मीनिंग पता होना चाहिए, हिडलेस, हिडलेस का हिडन मीनिंग क्या आ रहा है यहां पे, उस हिसाब से आप वहां पे प्रपोजिशन भरे। रमेश इज के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन नहीं लगेगी, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, आपको हेडलेस का मीनिंग पता होना चाहिए यहाँ पे। जैसे पिछले में सैनग्विन का मीनिंग होपफुल था, उसी तरह हेडलेस का मीनिंग क्या जा रहा है, थोड़ा सोच के बताएंगे, बाद में बताऊंगा, पहले आप अपना आंसर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कमेंट योर आंसर। 16 का आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा है विद। अब आप समझ रहे, हेडलेस का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे केयरफुल, सॉरी केयरफुल नहीं, केयरलेस, केयरलेस, मतलब रमेश, रमेश जो है, रमेश को अंजाम की कोई परवाह नहीं है, कॉन्सिक्वेंसिस होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसिस होता है रिजल्ट, अंजाम, अंजाम। अच्छा कई बार इंसान ना इतना अंधा हो जाता है कि वो गलत काम करता रहता है, करता रहता है, उसको अंजाम की परवाह ही नहीं होती, लेकिन अंजाम फिर बहुत बुरा निकलता है बाद में, है ना, अगर इंसान लगातार असावधानियां बरतेगा। आंसर डी होगा, ऑफ। रमेश इज हिडलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, हिडलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, आंसर डी है इसका, फॉर नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, फॉर तब आता है जब रेसिपिएंट की बात होती है, जब कोई आगे एक्शन को रिसीव करता है तब लगाते हैं फॉर। सो रमेश इज हिडलेस, केयरलेस ऑफ, हिडलेस ऑफ, इसका बताओ, इजी है, इजी सवाल है, बता सकते हो। सेवनटीन का आंसर कमेंट करेंगे सारे बच्चे, क्या होगा बेटा जल्दी बताएंगे सभी, यू ऑल हैव टू कमेंट द आंसर, यू ऑल हैव टू कमेंट द आंसर, सेशन को लाइक भी करते चलना है सभी बच्चों ने, बिल्कुल ये तो इजी है सभी को पता है। राधेश्याम मैट विद एन एक्सीडेंट, मैट विद होता है, मैट विद एन एक्सीडेंट मतलब एक फ्रेज है ये, मैट विद, बिल्कुल इसका बताओ, ये भी इजी है। 18 सवाल नंबर 18, डू यू नो दैट दिस रोड लीड्स डैश दिल्ली, ओके अब मैं आपसे पूछूं भाई ये रोड कहां जाता है, ये रोड कहां जाता है, या ये रोड दिल्ली को जाता है, ठीक है, ये रोड दिल्ली को जाता है, तो ऐसे आप वहां गोज थोड़ी लगाओगे, तो आप बोलोगे दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ठीक है, तो वहां पे हम लीड्स के साथ टू लगाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है सीओ, ठीक है। सो डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, लीड्स टू दिल्ली, चल इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 बी आंसर आ रहा है, ठीक है सबकी मीनिंग बता देता हूं, पुट आउट बुझाना,
पुट ऑफ आंसर है यहां पे। कोई फंक्शन होना था आज, लेकिन कोई दिक्कत होगी, कोई डेथ होगी, या मान लो बारिश इतनी पड़गी आपने उस चीज को टाल दिया। पुट ऑफ मतलब टालना होता है, पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन करना, आपने उस फंक्शन को किसी और डेट पे पोस्टपोन कर दिया। एक और फ्रेजल वर्ब होती है कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब स्टॉप करना होता है, इसका मतलब रोक देना होता है, कैंसल कर देना होता है। ये कैंसल होता है, फिर वो चीज होती नहीं है दोबारा। लेकिन ये पुट ऑफ और कॉल्ड ऑफ में डिफरेंस होता है। कॉल्ड ऑफ तो होता है अभी कोई स्ट्राइक कर रहे हो आप, स्टूडेंट हो, आपने कॉलेज में स्ट्राइक कर रखी है, लेकिन आपकी मांगों को मान लिया गया, आपकी मांगे जो डिमांड्स थी उनको मान लिया गया, तो आपने हड़ताल को रोक दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। तो द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, या द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। तो ये तो कैंसिल करना होता है, बट पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, किसी और डेट को आपने वो चीज आगे डाल दी। सो द फंक्शन हैज बीन पुट ऑफ। लेकिन अगर आप लगातार, इफ यू पीपल आर कॉन्टिन्यूसली पुटिंग ऑफ द थिंग्स, भाई जब ये आपकी आदत में आ जाती है चीज, जब आपकी आदत ही बन जाती है कि कर लेंगे, टालते रहे हो, आप टाल रहे हो चीजों को, टाल रहे हो, आगे को टाली जा रहे हो, फिर ये आपकी आदत बन चुकी है, तो फिर एक वर्ड निकलता है, लिख लो कॉपी पे, ठीक है। जब व्हेन इट कम्स टू योर हैबिट, देन इट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है, प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली पुटिंग ऑफ द थिंग्स, जब आप लगातार चीजों को पुट ऑफ कर रहे हो, लगातार टाल रहे हो, फिर प्रोक्रेस्टिनेट टर्म यहां से निकलती है, राइट। और ये वाली कोई फ्रेजल वर्ब होती नहीं है, सिंगल वाला एफ तो होता ही नहीं है, ठीक है। और पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, टू वेयर, इसका मीनिंग टू वेयर भी होता है, और इसका मतलब गेन करना भी होता है, गेन करना भी होता है। Nowadays she is putting on weight, ये तो काफी सुना होगा आपने यार, put on तो सुना होगा आपने कि आजकल वो वेट को गेन कर रही है। Nowadays she is putting on weight, या he wore, wear की second form wear wore worn, है ना, wear wore worn होता है। तो she wore a beautiful ring, she put on a beautiful ring, आप wore बोल लो चाहे आप put on बोल लो, she put on, put put putty होता है, उसकी second form भी putty होती है, ठीक है। तो she put on a beautiful watch, चलो इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, सी, प्रोन टू सफर, ऑपोजिट इम्यून टू, प्रोन टू का ऑपोजिट इम्यून टू होता है, इसका बताओ। About, ठीक है, इसका बताओ। देखो, if he were you, अगर वह तुम होता, improbable condition, वह कभी तुम नहीं हो सकता, improbable, ये verb कौन सा form है, verb का second, be की second form, V2, subordinating clause में जब भी simple past आता है, तो इसके साथ अब आप इसके साथ जाओगे, ये तो लगना नहीं है, इसके साथ जाओगे, इसके साथ जाओगे, तो कभी भी ये मत लगाना, इसके साथ ये चलता है आगे, would plus V1, ये लगेगा आगे, second form के साथ would plus V1 का shortcut चलता है, तो would give करें, answer D है इसका, इसका बताओ। Begins, days, days की preposition हमेशा ही on होती है, days की preposition on होती है, years की preposition हमेशा in होती है, months की,
मंथ्स के साथ इन लगाते हैं, इयर्स के साथ भी इन लगाते हैं, इन 1995, ठीक है, इन मार्च, इन मई, इन अप्रैल, इयर्स और मंथ्स के साथ इन लगाए, इन लगाए, लेकिन डेज के साथ ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, सी 24। एक क्वेश्चन इस बार लास्ट, 25 क्वेश्चन है टोटल। आई ओपन द डोर एंड सॉ दैट इट डैश रेनिंग, ऑब्वियस है, पास्ट चल रहा है, सी वॉज रेनिंग। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आउट एंड आउट मीन्स बताओ, फ्रेज है, आउट एंड आउट मीन्स पता है आपको, यू आर आउट एंड आउट एन इंटेलिजेंट गाय, यू आर आउट एंड आउट एन इंटेलिजेंट गाय, नहीं एब्सोल्यूटली होता, कंप्लीटली टोटली होता है, बी करो, ठीक भी करें, जैसे मैं आप बोल रहा हूं, आप कंप्लीटली आप जो है क्या हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, आउट एंड आउट मीन्स होता है टोटली, यू आर टोटली एन इंटेलिजेंट गाय, राइट। चलो आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी बच्चों का, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।